वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर झोंका फायर, घायल बदमाश सौसैया अस्पताल में भर्ती। दिबियापुर पुलिस व एसटीएफ संयुक्त रूप से दिबियापुर ककोर मार्ग पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। जिला मुख्यालय से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक काली पल्सर लेकर तेज गति से निकला। पुलिस को देख उसने फायर कर दी। इस बीच पुलिस ने घेराबंदी की और दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई। पुलिस की फायरिंग में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी और वहीं पर गिर गया। पुलिस ने उसे दबोच लिया और तमंचा भी बरामद कर लिया। पुलिस ने उसे घायल हालत में सौसैया अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी अभिषेक वर्मा सीओ सिटी सुरेंद्र नाथ मौके पर पहुंचे और पूछताछ की। एसपी अभिषेक वर्मा ने क्या कुछ बताया है सुनिए। थाना दिबियापुर को और हमारी स्वाट टीम एक चेकिंग जो कि मेरे द्वारा जनपद में ऑर्डर करी गई थी उसके क्रम में वहाँ पर दिबियापुर के ककोर रोड पर चेकिंग करी जा रही थी। उसी समय एक अपराधी जो सन 2020 से हमारे थाना दिबियापुर से वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम था, जिसके ऊपर कानपुर में कई मुकदमे डकैती के साथ मर्डर के गैंगस्टर एक्ट के चोरी के दर्ज से जो इस अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें अपराधी का नाम इरफान उर्फ पुत्तन जो है ये घायल हुए हैं। इनके द्वारा पुलिस को जब हमने इनको रोक करने की कोशिश करी थी, इन्होंने रिटेलिएट करते हुए फायरिंग करी थी, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा इस पर फायरिंग करी थी, जिन पर इनके पैर में गोली लगी है और इलाजरत हेतु इनको हॉस्पिटल लाया गया है। इसमें जो आगे के जो इनके मुकदमे हैं उसमें और इनके बारे में छानबीन करी जा रही है, अलग अलग जनपदों से इनके क्राइम हिस्ट्री के बारे में पता किया जा रहा है, जिसमें आवश्यक विधि कार्रवाई है वो आगे की जाए।